नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज़ में। आज महिला दिवस के मौके पर मेरे साथ है पूजा, जो कि रेसलर हैं, अपने गेमों में बहुत ही ज़्यादा होनहार लड़की हैं। तो पूजा, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे सिटी बिग न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू जी। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपने रेसलिंग गेम को क्यों चुना और आपका इंटरेस्ट कहाँ से जागा? मैम, दरअसल मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव की रहने वाली किसान की बेटी हूँ। पापा मेरा एक जमींदार है, तो मैंने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल ही है मेरा। तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की कि मैंने देखा कि गांव में सिर्फ यही होता है कि टेंथ कर दी, लड़कियों की शादी कर दी जाती है, प्लस टू कर दी, शादी कर दी जाती है, कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे कुछ अलग करके दिखाना था, मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना था जिससे मतलब लड़कियाँ को मतलब बाहर निकले, उनके सोच थोड़ी बड़ी हो, समाज में जो थोड़ी नेगेटिव कुर्तियाँ चल रही है उनको चेंज करो, तो मेरे हमेशा दिमाग में था। तो मैं हमेशा गांव में मतलब स्टार्टिंग मैंने गांव से की, और की तो मैंने ताई कमांडो से की जी स्टार्टिंग। तो मैं जैसे ही मैंने घर वालों से फर्स्ट टाइम मैंने पूछा कि मुझे गेम करना है, तो कहीं ना कहीं शायद घर वाले खुश नहीं थे। शायद उनको लगता था कि गेम घूम लड़कियों का नहीं होता, सिर्फ ये लड़के करते हैं, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। और फिर मैंने अपने पाप मतलब कुछ रोना धोना करके मतलब कुछ उनको समझो के अपने पापा मम्मी से मैंने हाँ बुआई, तो उन्होंने फिर हाँ भर दी कि ठीक है, तुझे 2 साल दिए जाते हैं अगर तू कुछ कर सकती है तो, टेंथ और प्लस वन और प्लस टू, उसके बाद तेरी शादी कर देंगे। तो पहले मेरे साथ 2 साल थे, कि मुझे उन सालों को आगे बढ़ाना था, मुझे कुछ करके दिखाना था। और मैं चाहती थी कि जो गांव की लड़कियां सिर्फ टेंथ प्लस टू सीमित है, वो कहीं मैं बीपीएड सीपीएड करे, आईपीएस, जैसे कि हमारे समाज में पहली बहुत लड़कियां अच्छे एक अच्छी पोस्टों पे है। तो मैं चाहती थी शायद मैं अपने आसपास गांव की एक ऐसी लड़की बनूँ जिससे लोग ऐसे कहें कि हाँ कि हमें जैसी लड़की बनाना है या फिर इनके जैसे बनना है लड़कियाँ, मतलब मुझे मेरे अंदर वो था। तो मैं आगे मैंने फिर यहाँ पे आई, मैंने प्लस टू में फिर मैंने रेसलिंग स्टार्ट की। तो आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि WWE में सबसे पहले सिलेक्ट होने वाली इंडिया की सबसे पहली वुमेन है ये। तो आपको ये जानकर कैसा लग रहा है कि आप इंडिया की सबसे पहली, हरियाणा की सबसे पहली ऐसी लड़की है जिसका WWE गेम में सिलेक्शन हुआ है? मैम, दरअसल हमारा ये जो मैं आपको नॉलेज के बता दूँ कि WWE ट्रायआउट फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर हुआ है, जिसमें से हमारे पूरे ऑल इंडिया के बच्चे सिलेक्टेड थे, 100 बच्चे सिलेक्ट थे, जिसमें फिर 80 बच्चे और उसके अंदर फर्स्ट महिला हूँ जिसमें ट्रायआउट में मेरा, इंडिया के अंदर होने वाला ट्रायआउट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा WWE के अंदर सिलेक्शन, ये ऑडिशन हुआ था मतलब 18 फरवरी को सिलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ CU यूनिवर्सिटी के अंदर जी। तो मैं नेशनल मेडल ले चुकी हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरे मेडल आए हैं फिर रेसलिंग के। तो प्रेजेंट मैं भी जॉब कर रही थी, शॉर्ट अनाइस करके मैं जॉब कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पापा मम्मी मेरे गेम को लेकर। तो मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे एक दिन कॉल आया कि मैम आप क्या WWE की ट्रायल देना चाहोगी? मैंने सोचा कि शायद ये कहीं ना कहीं फेक है, ये रियल नहीं हो सकता जी। तो फिर उन्होंने बोला, मैंने अपने पापा को बताया, तो पापा ने बोला कि शायद तू दे ले, क्या पता सच हो। तो मैंने कहीं पर इसके बारे में निकाला, तो ये फर्स्ट टाइम बोला, तो इसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं मिली WWE की कि ये क्या है। तो ये तो पता था कि WWE बहुत बड़ी वो है कंपनी है और ये बहुत बड़ा पहले से जो जहाँ पे लोग अपनी इमेज बनाते हैं अपना नाम बनाते हैं। तो मुझे लगा शायद मुझे क्यों मौका देंगे। तो मैं सी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई 18 तारीख को, वहाँ मेरा सिलेक्शन ऑडिशन हुआ, उन लोगों को देखकर लगा शायद ये WWE के कैसे हो सकते हैं। मैंने ऑडिशन दिया तो 2500 कंपिटिटर थे मेरे सामने जी। उनमें से मुझे फिर एक दिन मेल आया कि मैम आपका सिलेक्शन हो चुका है, कम इन मुंबई। मैं शॉक दी, भाई 2500 बंदों में मेरा सिलेक्शन, वो भी 8 लड़के और ओनली मैं एक लड़की जी। तो फिर भी मुझे फेक लगा। मैंने बहुत ही मतलब जो मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एक किसान है तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उनसे बात इसके से नहीं कर सकती थी। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, आज तक मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला जी। मैंने जितना भी स्ट्रगल किया अपने आप किया है, मेरी मम्मी ने दम पर अपने दम पे किया है और अपने मम्मी पापा ने मतलब उनका सपोर्ट मिला, मुझे थर्ड पर्सन या किसी का सपोर्ट मिला, ओनली फैमिली एंड मैं जी। तो उसके आगे मैं निकली। तो मैं जब वहाँ गई मुंबई के अंदर, तो मैंने देखा
कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। फिर मैंने उनको साफ साफ बोला, सर मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जहाँ तक कि मैंने लोगों ने बहुत ही मुझे पीछे खींचने की कोशिश की है, बोले ये कुछ नहीं होता, ये फेक होता है, आपका मिस यूज किया जाएगा वहाँ पे, ये वो। फिर भी मैंने पापा से बात की, पापा ने मुझे सपोर्ट किया, नहीं तू कर सकती है, तू जी जा, जब तक तो तू जाके देखेगी नहीं तो तू करेगी क्या, समझेगी क्या। तो मैं गई वहाँ पे, जाने के बाद मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा पैलेस है और ये सब कुछ रियल है। मैं अपने आँखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। जी वहाँ पे ट्राई आउट हुआ, उसके अंदर मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, मीडिया के सामने, बिजनेसमैन जो लोग आए हुए थे उनके सामने, जो कोच जज आए हुए थे, जो हमारी ट्रायल ले रही थी उनके सामने मेरी बहुत अच्छी इमेज बनी। जी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके अंदर उन्होंने मुझे बोला कि आपका सिलेक्शन है, तो दैट मैं बहुत खुश थी। और आज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा लोग आज मुझे मतलब एक सेलिब्रिटी के रूप में जान रहे हैं कि हाँ आपका WWE में हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग कहीं ना कहीं हमें मतलब इग्नोर मारते थे, कभी हमें सुनना पसंद नहीं कर, देखना पसंद नहीं, आज वही हमें पूछ मतलब रहे हैं पूछ कि आपका रहे सिलेक्शन हैं, कैसे हाँ हुआ और कैसे बेस्ट वर्क हुआ, एक्सपीरियंस आप कैसा रहा कैसे आपका। पहुँचा, जी कैसे पहुँचे आप, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लग रहा है। जी और आज मेरे पिताजी को सब लोग बोलते हैं कि आपकी लड़की WWE हो गई, हमें बहुत प्राउड है। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद मैंने ये मतलब इस लाइन में जाकर शायद कोई गलती नहीं की है। जी पूजा जी, आपकी खुशी आपके चेहरे से ही झलक रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस खेल में जाने के लिए किससे इंस्पिरेशन लिया आपने, किसके बेस पे आपने ये गेम सिलेक्ट किया? मैम आपको जैसे पता है कि हमारे इंडिया हरियाणा के अंदर ही नहीं, सारा हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया के अंदर हमारी बहुत ही फेमस जैसे लड़कियां बहुत आज ऊंचाइयों पे पहुंच चुकी है। जैसे आप लगा लीजिए हमारी पहली महिला IPS ऑफिसर, सॉरी किरण बेदी बेदी जी, और हमारी पहली महिला ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली गीता फोगाट जी, जिनके ऊपर जी दंगल मूवी भी आई है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल पूरी इंडिया उनको दंगल मूवी से जानती है, फोगाट सिस्टर से जानती है। और साक्षी मलिक जी जो मतलब उन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल लाकर पूरी इंडिया का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी हमारे मतलब WWE के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली कविता देवी जी, मतलब तो पूरे इंडिया के अंदर आज उनके चर्चे हैं, कविता जी, कविता देवी जी। जब मैंने उनका फर्स्ट टाइम अखबार में देखा कि कविता देवी जी WWE, मैंने कहा कि इसको कैसे जा सकते हो WWE में, ये तो छोटी बड़ी बात तो है नहीं। तो मैंने उनको फेसबुक, ट्विटर, मैंने हर जगह देखा, सोशल साइट सोशल से। साइट पे देखा मैंने, मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुई। तो कहीं ना कहीं मैं हार चुकी थी सपोर्ट में लेके, क्योंकि मुझे इंजरी वगैरह हो चुकी थी, तो मैं कहीं हार चुकी थी। तो जब से मैंने उनका नाम सुना मैं बहुत ही मोटिवेट हुई, जी और मैंने सोच लिया कि अगर वो आज अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके WWE में, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो जी शायद मैं उसको तरीका देख रही थी, मैंने सोचा कि मैं खली की एकेडमी में जाऊंगी, वहाँ पे अपना प्रैक्टिस करूंगी, फिर मैं शायद वहाँ जाऊंगी। मैंने बहुत लोगों से पूछा, फिर एक दिन अचानक से कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को फिर भूल चुकी थी, शायद मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई मुझे वहाँ भेजने वाला था। एक दिन मुझे अचानक से कॉल आता है कि आप क्या WWE में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहेंगी, तो शायद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं जी था। बिल्कुल और मैं आखिर वहाँ पे मुझे WWE वालों ने मुझे मतलब एक मौका दिया फाइनली, और आज मैं उस मतलब जिस मौके की मैं तलाश में थी, आज मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ शायद शायद इतनी अरबों मतलब पॉपुलेशन में शायद आज मुझे मौका मिला। और मैं अगर मेरा फाइनली अब मैं जाऊंगी तो मैं अपना इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगी और दिखाऊंगी कि हाँ कि वाकई में लड़कियां कमजोर, वो क्यों ना WWE हो, UFC हो, चाहे कोई भी गेम हो। जी। तो आप जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, हरियाणा की सबसे पहली लड़की हैं, इंडिया की सबसे पहली लड़की हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से आपको इस खेल में क्या योगदान मिला, क्या मैम उनका कोई सपोर्ट मिला आपको? फ्री स्टाइल रेसलिंग में मुझे सपोर्ट मिला है, बट उसके बाद मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारी सरकार बहुत ही स्लो चलने वाली सरकार है। तो वो जल्दी से हमारे हमारे सपोर्ट्स मैन इसी वजह से आज बहुत पीछे हैं, उनको टाइम टू टाइम वो सपोर्ट नहीं कर रही है और ना क्या आपको ही सरकार की उनको तरफ कोई से कोई फैसिलिटी दे सपोर्ट रही है। फंड वगैरह कुछ नहीं नो मिला नो 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 आपको? मैम, मुझे कोई मतलब ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली है WWE के लिए। और जो मतलब मिली थी तो वो ऐसा होता है कि अगर मेरा 18 में मेडल आया तो वो 18 के ही एक साल के बाद मुझे हमें फंड दे रही है, उस फंड का कोई हमें कोई मतलब ही नहीं बनता, हमें बहुत लेट सब फैसिलिटी दे रही है, टाइम टू टाइम कोई फैसिलिटी नहीं दे रही। अगर कोई बच्चा इंजर्ड है उसकी कोई मतलब केयरिंग नहीं है, बस वो इंजर्ड है तो बस उसके पूरा करियर खराब है। जी तो सरकार इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं लेती, उन्हें सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट बैकग्राउंड बहुत ही पीछे अभी तक जी और कंट्रीज को लेकर। जी
तो मुझे भी WWE में अगर मैं सिलेक्ट हुई हूँ तो उसमें मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला मैम अभी तक। तो मैं जैसे आपको बता दूँ, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि ये गांव के मतलब बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं, किसान की बेटी हैं, उसके बावजूद भी मतलब इतने अच्छे मुकाम पर आज ये हैं। तो मैं जानना चाहूँगी आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपने स्पोर्ट्स में जाने के लिए। मैम सबसे पहले तो मुझे गाँव से निकलने से पहले ही गाँव के लोगों से, उनकी सोच से, अब समाज से बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा। और मुझे ही नहीं, मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को बहुत हरेसमेंट हुए, उनसे बहुत कुछ सहना पड़ा। कोई कुछ बोलते थे फिर भी बहुत सुनते रहे बेचारे, वो उन्होंने बहुत सहन किया है जी। वो सिर्फ उसी तलाश में थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग हमें मेरी बेटी के कारण जानेंगे जैसे, और हमारा भी नाम होगा। और फाइनली आज उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि जब लोग उनको पूछते हैं कि पूजा आपकी बेटी है, और लोग जब बोलते हैं कि हाँ हमें भी गेम करवाना, हमारी बेटी को हम पूजा जी से मिलना है, उनसे बात करवाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो उनको मतलब बहुत तकलीफ सही है जब गांव के लोग हमें पीछे खींचते थे, इस गेम में कुछ नहीं होता, ये सब दिखावा होता है, यहाँ पे सिर्फ बदनामी होती है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो लोगों ने बहुत पाँव खींचे हमारे पीछे जी। फिर मेरे पिताजी ने मुझे लेकर कभी हार नहीं मानी, मुझे एक बेटे से ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया है, उस मुकाम तक पहुँचाया है मुझे। और आज उन्हीं की वजह से, उन मेरे पेरेंट्स की ही वजह से आज मैं इस स्टेशन पे हूँ जी। फिर तो आपका कहने का मतलब ये है कि फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, चाहे दुनिया कितनी ही ऐसे बोलती रहे, बट हाँ। फैमिली सपोर्ट है जब तक सब कुछ है हमारे हाँ, पास। मैम तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने किन किन देशों में, किन किन हरियाणा मतलब कितने कितने राज्यों में आपने ये गेम खेला है। मैम मैंने मतलब हमें बहुत मौके मिले हैं, नेशनल में इंटरनेशनल नहीं बन पाई क्योंकि मुझे इंजरी की वजह से। तो मैंने आप बार बार जैसे इंजरी रिपीट कर रहे हैं, तो आप जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी इंजरी हो गई थी जिससे आप अपना अपने अपने गेम को कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैम स्टार्टिंग में क्या है कि कैर सबसे बड़ी होती है कैरिंग, कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला स्टार्टिंग से, नहीं मिला चाहे वो स्टडी लाइन में हो या फिर उसमें हो, कि मेरे मम्मी पापा उन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया, पर वो एजुकेटेड नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस बातों को वो समझ नहीं पाए। जो भी किया सब उन्होंने से मुझ पर छोड़ दिया कि मैं हम तुम्हें अपना बेटा की तरह मानते हैं, तू जो करना तू कर, वो हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं, हमें तुम्हें सपोर्ट कर सकते बेटा, अच्छा तो अगर तू ये कर सकते हैं कि हम किसी की ना सुनते हुए सिर्फ तेरी सुनेंगे, आगे तेरा भविष्य तू बना, हम चाहते कि हमारा भी नाम हो, हमें तुम्हारे कान जाने। तो मतलब मुझे इंजरी स्टार्टिंग में मुझे गेम में आई तो मेरी स्टार्टिंग में ही मेरी मतलब एल्बो वगैरह टूट चुके थे, तो 10 टाइम भी ट्रीटमेंट नहीं था। और आपको जहाँ से लगा दी, मैंने पहले भी बोला कि मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे मुझे मेरे सपोर्ट को लेकर। तो साथ के साथ मैं बता दूं कि मेरे पिताजी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, वो अगर मेरे पास को अगर उनके पास भी कुछ नहीं है तो वो चाहे वो कहीं से लेके आए, वो दिहाड़ी करके लेके आए, वो हमें जरूर देते थे। यहाँ हमें रखा, एक सिटी के अंदर रखा, बहुत बड़ी बात होती है मैम एक किसान के लिए कि वो सिटी के अंदर रखना, बच्चों को हर एक फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी देना, फैसिलिटी देना और उनको हर एक चीज़ मतलब देना। और सपोर्ट को आपको पता ही है कि सरकार बहुत लेट अपना ODI दिखाती है, जब बता इंटरनेशनल बता, जब तो सरकार हमारे पीछे होती है, अगर हम नॉर्मल पे खेल रहे हैं तो कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता हमें, तो सरकार का तो ध्यान होता ही नहीं है। चोट लगती है तो ठीक है, उनका करियर खराब हो जाता तो होने दो जी। तो ऐसे मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों का वो करना पड़ा, मुझे बहुत सारी इंजरी हुई, नी में इंजरी हुई, एल्बो में इंजरी हुई, तो ऑपरेशन भी हुए, तो मतलब मुझे इसी बात में कहीं ना कहीं साइड टूट चुकी थी, पर आपका मन टूट चुका था, मन टूट चुका था, पर मेरे पीछे मेरे पापा था, मुझे थपथपाने वाला थी, पीठ थपथपाने वाला कि नहीं तू कर सकती है, तू करेगी, तू जरूर कर सकती है, तू किसी से कम नहीं है। आज हम भी तो मतलब बोलते थे कि शायद हम भी तेरे सहारे हैं, अब लोगों की हमने इतनी कुछ सुनी है तो हम नहीं चाहते कि तू पीछे हटकर शायद हमें मतलब हरेसमेंट करे, तो शायद वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब आप पहली बार गांव में मेडल लेके गई थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम जब मैं पहली बार मेडल आया तो मेरा एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट टाइम मैं गांव में कैसे जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे डर था शायद मेरी वजह से, मेरे पापा कोई कुछ बोलने वाले थे, आपको पता है कि कुछ नेगेटिव तत्व भी होते हैं जो अपनी छोटी सोच को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्टिंग में गई तो जब मैंने देखा कि मेरे गांव को छोड़ के दूसरे गांव में मेरे स्वागत के लिए लोग आए हुए हैं, और जो लोग बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये बस ऐसे ही टाइम पास कर रही है, ये पैसे बर्बाद कर रही है, अपने मम्मी पापा का नाम डुबो रही है, वो लोग जैसे माला लेके खड़े हुए थे,
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब जगह पूजा पूजा हुई हुई थी, और बहुत मतलब मेरे पापा को मेरी वजह से जान रहे थे, मतलब कहते ना पापा को मतलब बच्चों को पापा की वजह से सब जानते हैं, पर मुझे वो मौका मिला कि मेरी वजह से मेरे पापा को सब जानते हैं जी। तो मुझे बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था वो, और वो आज तक मेरी मैंने वो मेमोरी सेव करके रखी है अपने पास, फोटो क्लिक करके रखी है कि मेरा बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे गाँव का, पूरे रिश्तेदारी का, जो लोग हमसे बात करना पसंद करते वो उस टाइम प्रेजेंट थे, और जब उन्होंने अखबार में न्यूज़ में देखा तो शायद शायद उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था जी। बिल्कुल, तो जैसे कि पूजा जी आप तो इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे निकल चुकी हैं, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो अपनी बात को अपने पेरेंट्स के सामने रखने से हिचकिचाती हैं कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव मेरे जो रिश्तेदार हैं वो क्या सोचेंगे, उनके उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए मैम, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, या फिर कोई लड़का लड़का, आज आपको पता है हमारी हरियाणा की कहावत बन चुकी है छोर या छोरों से कम नहीं है, तो आज के दिन सच में कोई लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, और आप देख भी चुके, मैंने जैसे बता चुके गीता फोगाट, कविता देवी जी, मैंने बहुत सारी बार बताया, और हमारी बताने की जरूरत ही नहीं है, पूरे इंडिया को पता है कि हमारी आज के टाइम इंडिया वुमेन सुपरस्टार है जी। बिल्कुल, सुपर गर्ल पावर में वो आज जानी जाती है पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ही क्यों, ऑल कंट्रीज के अंदर सुपर गर्ल के नाम से वुमेन जानी जाती है, इंडिया सुपर गर्ल वुमेन। सो मैं जी इनको ये कहना चाहूँगी कि वो लड़कियाँ कविता दलाल जैसी, गीता फोगाट जैसी, मेरा जैसा बने, और मैं चाहूँगी कि कल ना मैं इस पोजीशन तक आऊँगी, कल ना ये बोले कि हाँ मुझे इन जैसा बनना है जी, है कि मुझे इन जैसा ही बनना है, मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, तो मैं उस लेवल तक जाना चाहती हूं। लड़कियां आपको देखे कहे कि मुझे इन जैसा बनना है, मुझे उस लेवल तक अचीवमेंट जी। तो ये थी हमारे साथ पूजा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, हमें समय देने के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऐसी पहली महिला है जिनका पहली बार WWE ट्रे आउट में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जब इनके गेम स्टार्ट होंगे तो वोटिंग लाइन भी ओपन होगी, जिसके लिए आपको वोट करके इनको सपोर्ट करना है, हमारे हरियाणा की छोरी को आगे बढ़ाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी हमारे चैनल पर आने के लिए, और हमें थोड़ा अपना टाइम कीमती समय हमें देने के लिए, और शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।